इमिडाक्लोप्रिड पुराने ज़माने से आज तक बेहतर काम कर रहा है, भले वो थ्रिप्स हो या मिलीबग। इमिडाक्लोप्रिड आज तक अपना स्थान बनाए हुए है। इस वीडियो में हम इमिडाक्लोप्रिड 17.8% की जानकारी लेंगे और इस वीडियो में इमिडाक्लोप्रिड किन कंपनियों का किस नाम से आता है, इमिडाक्लोप्रिड की मोड ऑफ एक्शन क्या है, इमिडाक्लोप्रिड किन किन कीटकों पर कैसे काम करता है, इमिडाक्लोप्रिड कितने दिनों तक काम करता है, इमिडाक्लोप्रिड का डोज और कीमत के साथ आज की खास बात। तो मैं हूँ दिवराज और आप देख रहे हैं अन्न निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। इमिडाक्लोप्रिड 17.8% इसी फॉर्मुलेशन में आता है, वह बायर कंपनी का कंप्यूटर के नाम से। सल्फर मिल का हॉटशॉट के नाम से, धनुका कंपनी का मीडिया के नाम से और नागार्जुन कंपनी का मीडा के नाम से आता है। इमिडाक्लोप्रिड नियोनिकोटिन ग्रुप का इंसेक्टिसाइड है। इमिडाक्लोप्रिड इंसेक्ट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करता है, जो चेता संस्था में ब्लॉकेज तैयार करता है और चेतना खोने से इंसेक्ट को पैरालिसिस होकर इंसेक्ट भूख से मर जाता है। इमिडाक्लोप्रिड चेता संस्था पर काम कर इंसेक्ट को मारता है, इसलिए इसे न्यूरोटॉक्सिन भी कहते हैं। इमिडाक्लोप्रिड में स्टमक एक्शन, क्वांटेक्ट एक्शन और वेपर एक्शन है। अब जानते हैं ये क्या है। अब स्टमक एक्शन मतलब यह कीटकों के पेट में जाकर कीटकों को मारता है। क्वांटेक्ट एक्शन मतलब इसके संपर्क में आते ही कीटक मर जाता है। और अब वेपर एक्शन मतलब यह हवा में घुलकर कीटकों के सांस में से अंदर जाकर कीटकों को मारता है। इमिडाक्लोप्रिड 8 दिनों तक काम करता है, मतलब इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी 8 दिनों की है। इमिडाक्लोप्रिड जमीन में से भी कार्य करता है। इमिडाक्लोप्रिड की ड्रेंचिंग करने पर यह जड़ों से फसल के अंदर जाता है और इसे अंग्रेजी में रूट सिस्टेमिक भी कहते हैं। इमिडाक्लोप्रिड धीमे गति से वनस्पति के जाइलम से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है, इसे जाइलम एक्शन भी कहते हैं। इमिडाक्लोप्रिड में ट्रांसलेमिनर एक्शन भी है, मतलब यह पत्तियों के ऊपर से नीचे की ओर जा सकता है। इमिडाक्लोप्रिड के स्प्रेइंग के बाद यह आने वाले नए पत्तियों को भी प्रोटेक्ट करता है, इसे अंग्रेजी में एक्रोपेटल एक्शन कहते हैं। इमिडाक्लोप्रिड किसी भी पेस्टिसाइड के साथ चल जाता है। इमिडाक्लोप्रिड अपीड्स केन बीटल्स थ्रिप्स स्टिंग बग्स लिप माइनर और स्टेम बोरर पे काम करता है। स्टेम बोरर के कंट्रोल के लिए जून महीने में इमिडाक्लोप्रिड की ड्रेंचिंग करें। सीड ट्रीटमेंट के लिए भी इमिडाक्लोप्रिड फायदेमंद है तथा 1 किलो बीजों के लिए 250 मिली इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करें। इमिडाक्लोप्रिड सभी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डोज और कीमत बताने से पहले आज की खास बात। जब हम ड्रेंचिंग के लिए इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करते हैं तब ज़्यादा पानी की वजह से या ज़मीन हल्की होने से इमिडाक्लोप्रिड बह जाता है, लीच आउट हो जाता है। लीचिंग रोकने के लिए इमिडाक्लोप्रिड के साथ स्टिकर का इस्तेमाल करें, जिससे इमिडाक्लोप्रिड जगह पर टिके रहे। इमिडाक्लोप्रिड 17.8% का इस्तेमाल स्प्रेइंग के लिए 100 मिली 200 लीटर पानी में मिलाकर करें। इमिडाक्लोप्रिड के 1 लीटर की कीमत लगभग 1100 रुपये के आसपास है। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देखा ही है तो लाइक करना मत भूलना। हमारे आने वाले नए वीडियो को समय पर देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जवान जय किसान।